Hey guys, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे थॉर लव एंड थंडर से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। आपने थॉर लव एंड थंडर के ट्रेलर में ये वाला सीन तो देखा ही होगा। Guys, and flip. अरे ये वाला नहीं, ये वाला सीन हमेशा उल्टा ही देखना। तो जैसा कि आपने ये वाला सीन देखा जिसमें कि वेलकरी गौर से बुरी तरीके से लड़ रही है, और हमने कॉमिक बुक की लाइन में हमेशा यही देखा है, यही पढ़ा है कि गौर ने सभी गॉड्स को मार दिया था, और इसी की स्टोरी लाइन पर थॉर लव एंड थंडर भी है, आप सब जानते होंगे। पर ये वाला सीन देखकर मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि भाई वेलकरी के पास ये लाइटनिंग वेपन कर क्या रहा है, जो कि ज्यूस का ऑफिशियली वेपन है, तो ये वेलकरी के पास कहां से आया। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है, और कुछ फैन थ्योरी क्रिएट भी होती है इससे, कि शायद मे बी गौर ने सभी गॉड्स को नहीं मारा। मूवी में हमें 3-4 गॉड्स तो मरते दिखाए जाएंगे, और साथ ही साथ गौर उनको मारता हुआ भी दिखाई जाएगा ओलंपस में। मुझे लगता है जाके कि गौर ज्यूस को 100% जाके मारने वाला है, और शायद मे बी वेलकरी बीच में आ जाती है और ज्यूस मरते दम तक उसे अपना वेपन दे देता है। तो कुछ ऐसा एक सीन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि वेलकरी खुद इतनी पावरफुल गॉड है, उसको दूसरे ग्रीक गॉड्स के वेपन की क्या जरूरत पड़ गई है। तो मुझे लगता है कि शायद ज्यूस मर चुका है और गौर गुचन ने उसको मार दिया है, और वेलकरी को वो वेपन मिल चुका है, और फाइनल फाइट में जो कि एक एपिक बैटल होने वाली है, वेलकरी गॉड से लड़ती नजर आएगी ज्यूस के वेपन के साथ। तो देखते हैं क्या होता है मूवी में, और आपको क्या लगता है सीन को देखकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। बाय बाय, जा रहा हूँ।